तो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर बहुत कुछ मैं बता दिया था। तो बेसिक पार्ट्स कौन से होते हैं कंप्यूटर के, कुछ यहाँ पर कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में बताया था और बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होता है और इनपुट आउटपुट जो दोनों पर काम करता है कौन सा डिवाइस होता है। हार्डवेयर की इस सीरीज के अंदर मैंने तीन पार्ट्स को बता दिया था कंप्यूटर के, लेकिन हम चौथी डिवाइस पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो सीपीयू के बारे में। तो इसके भी बहुत कुछ मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है। इसके बारे में हम पढ़ने के बाद हम मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हार्ड डिस्क बारे में पढ़ेंगे, रैम, केबल्स, कैबिनेट्स, कुछ कैमरास और कुछ गैजेट्स, फिर डिवाइस के बारे में पढ़ना कंप्लीट स्टार्ट कर दूंगा। तो माउस डिवाइस क्या होता है, माउस कितने टाइप के होते हैं, इसके बेसिक पार्ट्स, और मैंने ट्रैकबोल टाइप क्या होता है, ट्रैकबोल टाइप कौन से सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसका पॉइंटिंग क्लिकिंग ड्रैगिंग किस तरह से होता है। उसके बाद दूसरा नई टेक्नोलॉजी आई जिसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंसर टाइप, उसके बाद टच टाइप सेंसर टाइप माउस और दूसरे टाइप के माउस जिसको गेमिंग माउस और दूसरा फिंगर जिसको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी वाला माउस कहते हैं। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के माउस भी आते हैं यहाँ पर बायोमेट्रिक माउस। और फिर कीबोर्ड पर आया था, कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, किस तरह की आई। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि कीबोर्ड की कुछ क्लिप्स, कुछ सेफ्टी नोट्स। फिर मैंने बताया था मॉनिटर के टाइप्स और उसके सिस्टम्स के बारे में, CRT, LCD, LED, पाल प्लाज्मा यहाँ पर OLED और 4K LED प्रोजेक्टर सिस्टम, रेड प्रोजेक्टर सिस्टम, CRT मॉनिटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, मैंने बताया था आपको। मैंने LCD किस तरह से काम करती है, उसकी सिस्टम किस तरह से होती है यहाँ पर, उसका एक्टिव पैसिव सिस्टम किस तरह से होता है। फिर मैंने आपको यहाँ पर और भी चीज़ बताया था उसकी विविंग एंगल के बारे में, तो वो किस तरह से काम करता है यहाँ पर विविंग एंगल के अंदर। LED मॉनिटर क्यों क्रिएट करना पड़ा और क्यों यहाँ पर LCD में क्या फ़र्क है, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, इसकी रिजोल्यूशन के बारे में बताया था, प्लाज्मा डिस्प्ले क्या होता है, प्लाज्मा की टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, ये भी बताया था मैंने आपको। फिर OLED बताया था मैंने आपको, OLED क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। प्लस इसके अंदर सिस्टम्स के अंदर कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मास की कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया था, 4K LED डिस्प्ले क्या होता है, और भी मैंने बताया था प्रोजेक्टर सिस्टम क्या होता है, फिर CRT प्रोजेक्टर, LCD और DLP प्रोजेक्शन सिस्टम बताया था मैंने आपको। तो LCD प्रोजेक्टर सिस्टम, DLP क्या होता है, फिर रेड प्रोजेक्टर सिस्टम क्या होता है, ये भी बताया था मैंने आपको। CPU के अंदर हम पढ़ रहे हैं CPU के टाइप्स और कितने टाइप के CPU होते हैं, CPU के लिए बहुत सारे मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है, तो वो वीडियो जाकर देखिए तभी आपको वीडियो पता चलेगा। तो क्या होता है CPU और किस तरह से काम करता है CPU चिप्स, ये सभी वीडियो पार्ट वाइज है, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। उसकी कंपनीज कौन कौन सी होती है, इंटेल कंपनी के बारे में कौन सा पहला CPU आया था, फिर किस तरह से उसके अंदर काम करता है इंटेल सिस्टम के अंदर, फिर चिप टाइप का यहाँ पर किस तरह सिस्टम यूज होता है यहाँ पर बताया था आपको, यहाँ पर इसका सॉकेट का किस तरह से होता है, इसके अंदर जो यहाँ पर लैंग्वेज होती है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं यहाँ पर CPU के अंदर। तो यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज के अंदर मैंने अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स बताए थे, तो किस तरह से CPU काम करता है यहाँ पर मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है सिस्टम के अंदर ये भी बताया था, और फिर सिलिकॉन फाइबर कॉपर की तरफ से यहाँ पर इस तरह अलग अलग यहाँ पर CPU होता है यहाँ पर, ये भी बताया था। प्लस मैंने इसके अंदर बाइनरी कोड के बारे में बताया था, तो बाइनरी कोड क्या होता है, किस तरह से काम करता है यहाँ पर, जो हम सुनते हैं या फिर हम वीडियो देखते हैं या फिर कोई भी हम मैप देखते हैं, तो बाइनरी कोड यूज़ होता है, बाइनरी कोड की टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ होती है, ये भी बताया था। क्योंकि हमारा कंप्यूटर का पूरा नॉलेज यहाँ पर जो भी काम होता है वो बाइनरी कोड के अंदर होता है, और वो 0 और 1 के अंदर होता है, चाहे फिर हम गाना सुने या कोई वीडियो देखिए, तो यहाँ पर प्रोसेसर ही काम आता है यहाँ पर। प्रोसेसर के अंदर यहाँ पर अलग अलग तरह की कौन कौन सी सिस्टम होती है यहाँ पर, मैंने ये भी बताया था। तो यहाँ पर और भी मैंने कंप्यूटर के सिस्टम के अलग अलग डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स बताए थे, वो वीडियो देखने के बाद ही वीडियो देखे। तो पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी हमारा प्रोसेसर जो होता है वो प्रोसेसर प्रोसेस करता है, तो इसके अंदर डेटा का प्रोसेस किस तरह से होता है, बाइनरी कोड के अंदर होता है, बाइनरी कोड का
सिस्टम किस तरह से काम करता है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर का हार्डवेयर है तो उसका सॉफ्टवेयर भी होता है यहाँ पर, तो हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार होता है कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है कि बाइनरी कोड किस तरह से, उसके सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं, ये सभी वीडियो पार्ट वन से है, मैंने पहले से ही वीडियो बता दिया था, तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तभी आपको ये सीपीयू का डिवाइस के बारे में पता चलेगा। अगर आप कोई भी और यहाँ पर ए बटन दबाते कीबोर्ड के अंदर बी बटन दबाते तो कौन सा हमारा बाइनरी कोड जनरेट होता है, यहाँ पर ये भी बताया था मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो के अंदर। तो जो हमारा मशीन लैंग्वेज होता है वो बाइनरी कोड से ही समझता है, कंप्यूटर ये नहीं समझता कि हमने सी दबाया या ए दबाया या टी दबाया है। फिर यहाँ पर और भी अलग अलग मैंने कुछ बताया था कि प्रोसेस कौन सी होती है यहाँ पर, फिर यहाँ पर और भी मैंने कुछ समझाया था कि सीपीयू के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड प्रोसेसर, डीएसपी प्रोसेसर, मीडिया प्रोसेसर। तो पुराने टाइम के अंदर 1950 के बाद, इसके अंदर 1970 के अंदर, इसके बाद और भी नया चीज चेंजिंग हुआ, फिर चिप टाइप का कंप्यूटर यहाँ पर आया, सीपीयू आया, फिर माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर क्या होता है, किस तरह से काम होता है, फिर उसके बाद मैंने आपको माइक्रो एम्बेडेड चिप प्रोसेसर बताया था, डीएसपी प्रोसेसर बताया था, फिर मीडिया प्रोसेसर बताया था मैंने आपको, ये बहुत कुछ आपको समझाया था। सीपीयू कोर मैंने आपको समझाया, सीपीयू कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है, कोर क्यों हम यूज करते हैं सीपीयू कोर के अंदर, ये सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, मेरी सभी वीडियो पिछली वीडियो देखने के बाद ही। सर्वर का जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर सीपीयू कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, और ये सभी वीडियो पार्ट वाइज मैंने क्यों क्रिएट की कि आपको अच्छी तरह समझ सकते, तो सीपीयू कोर क्या होता है, किस तरह से काम करता है मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो, सभी वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखे। तो सीपीयू कोर से कौन कौन सी सर्विसेज होती है यहाँ पर, कौन कौन सा हमारा एडवांस हमें बेनिफिट मिलता है, हमें फ़ायदा मिलता है, और यहाँ पर कौन कौन सी सीपीयू कोर से अभी कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो भी मैं बताया था मैंने आपको। तो आज सीपीयू आर्किटेक्चर मैंने समझाया था कल पिछली वीडियो के अंदर, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए। तो मैं पिछले कुछ वीडियो में सीपीयू सॉकेट भी बताया था, सीपीयू सॉकेट क्या होता है, ये सॉकेट के बारे में, और एक नया टैप्स पिन टाइप पिनलेस टाइप, ओके ये दो तरह के सॉकेट्स आते हैं यहाँ पर। सीपीयू की इंफॉर्मेशन के अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि हमारा जो सीपीयू होता है ये इम्पोर्टेंट हमारा काम होता है। तो आज से हमारा सीपीयू इंफॉर्मेशन का ये नया वीडियो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये इम्पोर्टेंट थे मैंने कुछ समझाया था, सीपीयू कोर, सीपीयू सॉकेट टाइप्स ये भी बताया था कुछ इसी वीडियोस के अंदर, व्हाट इज क्लॉक स्पीड क्या होता है, यहाँ पर क्लॉक का सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा सीपीयू जो डेटा एक दूसरे के अंदर स्पीड, उसकी जो स्पीड होती है कितनी, एक सेकंड के अंदर कितने लाखों डेटा को भेज देता है 21 सेकंड के अंदर, जिसकी फ्रीक्वेंसी उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड अगर वो नहीं होता है, क्लॉक रेट कम होता है तो हमारा काम ठीक तरह से नहीं होता। तो ये भी पिछली वीडियो में बताया था मैंने, तो ये सीपीयू, ये फ्रीक्वेंसी, क्लॉक रेट, कैश मेमोरी मैंने समझाया का काम। तो अभी हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा, इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है, और बहुत मेरे प्ले लिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेस बनाकर रखे हुए, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर, सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया और साइट पर बेल आइकॉन होता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फ्रीक्वेंसी देख सकते हो कि क्या है यहाँ पर, तो पहले हम इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी अलग तरह का समझना है, जिसको क्लॉक रेट कहा जाता है। तो
हार्डवेयर की फ्रिक्वेंसी सिस्टम अलग होती है, और वायरलेस मीन्स हमारे जो नेटवर्क होते हैं, इंटरनेट होते हैं, उसके अंदर जो वायरलेस टावर होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी का सिस्टम अलग होता है। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हम समझते हैं क्लॉक रेट सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर सीपीयू जो काम करता है, मीन्स इसका जो डेटा का प्रोसेस का सिस्टम जो होता है, इसका जो स्पीड होता है, इसको हम क्लॉक रेट कहते हैं, और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन होती है। तो 0.1 फॉर्म के अंदर जितने भी हमारे जो डेटास होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, अलग अलग तरह की जो कोर सिस्टम होती है, अगर मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था, तीसरी और उसकी बहुत सारी वीडियो के अंदर समझाया था कि सीपीयू क्लॉक रेट, उसके पीछे जो स्पीड होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है यहाँ पर उसके सिस्टम्स की। तो जितना हाई परफॉर्म वाला हमारा सीपीयू होगा, उसी तरह से यहाँ पर हमारा सीपीयू काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि और कितने सिस्टम के अंदर कितने हमारे सिस्टम के साथ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा मदरबोर्ड, सीपीयू के ऊपर बहुत सारा काम होता है, मीन्स उसके ऊपर प्रोसेस होती है। लेकिन अगर वो सीपीयू ही हैंग हो जाए, मीन्स उसका काम ही यहाँ पर डाउन हो जाए, तो हमारा कोई काम ठीक तरह से नहीं होगा। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स यूज होती है। कभी कभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल नहीं पाती है, रुक जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि तीन कारण होते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा सीपीयू जो पहला जो कारण होता है सीपीयू और उसका मदरबोर्ड, हमने ठीक तरह से उसका फ्रीक्वेंसी का क्लॉक रेट हमने कैलकुलेट नहीं किया है, या फिर हमने कम स्पीड वाला लिया है। दूसरा कि हमने ठीक तरह से कंप्यूटर के हार्डवेयर को और तरीके से अच्छी तरह से जाना नहीं है कि कितने जीबी की लेना चाहिए, कितना कौन से मॉडल का लेना चाहिए। और तीसरा है कि हमने उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ज़्यादा सॉफ्टवेयर या तो फिर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंटर कर लिया, या तो फिर कुछ वायरस वगैरह है। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जब कोई सीपीयू प्रोसेस करता है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है, उस स्पीड को यहाँ पर कैलकुलेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जो हमारा कोई भी हमारा मूवीज हो, कोई भी हमारा पिक्चर्स हो, वो सभी बाइनरी कोड के अंदर ही सीपीयू प्रोसेस करता है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बाइनरी कोड में ही बैकग्राउंड में काम कर रहा है, सीपीयू वही समझता है 0101 फॉर्म के अंदर। लेकिन वो किस तरह से होता है, यही इम्पोर्टेंस होते हैं। तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं सीपीयू के बाइनरी कोड, जितना जल्दी यहाँ पर प्रोसेस करेगा प्रोसेसर, उतना आपका फास्ट आपका रिजल्ट मिलेगा। तो सीपीयू कोर के अंदर भी बेहतर और भी यहाँ पर हमारा उसके साथ जो काम करने वाले मदरबोर्ड होते हैं उसको भी पावरफुल यहाँ पर रहना पड़ेगा, तब तक जब तक कि सीपीयू पावर है ऑन है, या तो फिर मदरबोर्ड पावर ऑन है, दोनों को पावर मिलता है, दोनों को पावर से काम मिलता है यहाँ पर, क्योंकि हमारा कंप्यूटर ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो जो भी हमारे मदरबोर्ड के ऊपर चिपसेट, यहाँ पर अलग अलग तरह की उसकी अलग अलग चिप्स होती है, उसका ये इम्पोर्टेंस होता है कि जब तक आप ठीक तरह से कम्प्लीटली आप अपना मदरबोर्ड, उसकी स्पीड, उसकी सिस्टम नहीं देखोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंजीनियर से लेकर सब लोग सीपीयू फ्रीक्वेंसी, सीपीयू क्लॉक रेट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के अंदर। तो जो सीपीयू हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस करता है हमारे डेटा को, वो किस तरह की कौन सी फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन से क्लॉक रेट में काम करता है, हम क्लॉक रेट समझते हैं। तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में समझाया था क्लॉक रेट क्या होता है। ओके, तो जो हमारा डेटा होता है उसकी प्रोसेस जितनी जल्दी हो जाएगी, जितनी स्पीड अप होगी, उतना हमारा सॉफ्टवेयर फटाफट ओपन हो जाएगा। तो जो मदरबोर्ड के ऊपर हमारा डेटा भेजता है सीपीयू, उस मदरबोर्ड के ऊपर कितनी स्पीड के अंदर डेटा आउटपुट या इनपुट या प्रोसेस, ये तीनों चीजें कितनी स्पीड में करता है प्रोसेसर, उसको कहते हैं यहाँ पर क्लॉक रेट, या तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ध्यान से फिर से मैं कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हम हार्डवेयर की बेस के ऊपर फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं। अब जब मैं नेटवर्क के अंदर बढ़ा होगा तो किस तरह से कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है,
क्विक कुर्सी का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन हावे के ऊपर इस पर समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो जो भी हमारा कोर टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर प्रोसेस करने की जिम्मेदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है प्रोसेसर की। तो यही जिम्मेदारी जो आउटपुट मिल रहा है प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है उसको डेटा मिल रहा है वो मदरबोर्ड से मिल रहा है और मदरबोर्ड को ही प्रोसेस करके देता है। तो मदरबोर्ड भी पावरफुल होना चाहिए। तो मदरबोर्ड भी इतना पावरफुल होगा तभी ये क्लॉक रेट क्लॉक स्पीड पावरफुल हमारा काम करेगा कंप्यूटर। तो यहाँ पर कुछ देख सकते हो कि कुछ सीपीयू की आईडी आप देख सकते हो, कुछ इसके नेम्स वगैरह, उसकी कुछ मैक्स टीडीपी वगैरह यहाँ पर उसके सामने आपके स्क्रीन पर है। तो मैं और भी इसको ध्यान से समझाऊंगा, लेकिन अभी देख सकते हो कि कोर स्पीड का मतलब क्या है। देख सकते हो कि MHz लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कोर स्पीड, ये आपको मुझे समझाना था कि 3910.26 MHz लिखा है यहाँ पर। तो इंटेल आर कोर का i7 प्रोसेसर है 37701, मतलब एक कोर की स्पीड ये है। तो 7 कोर की कितनी हुई, तो ये इम्पोर्टेंस आप दे सकते हो। तो जितनी भी यहाँ पर सीपीयू का अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग स्पीड, अलग अलग उसके अंदर चेंजिंग की गई और उसके अंदर बेहतर से बेहतर बनाया गया, तो यहाँ पर स्पीड बहुत ही पावरफुल हुआ। तो यहाँ पर दे सकते हो कि ये जो डायरेक्शंस वगैरह जो है यहाँ पर सीपीयू की स्पीड अप, उसकी पास प्रोसेस और प्रोसेस करने के साथ वर्कआउट कितना है, एक डायग्राम है यहाँ पर। ओके, तो 5 कोर 4 कोर 1 कोर और सिर्फ सिंगल कोर। तो सिंगल कोर में देखोगे कि इतना ही आपको ये मिलेगा यहाँ पर, ये 4 कोर 5 कोर। तो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर जो मेगा हर्ट्ज में थी और गीगा हर्ट्ज के अंदर चलेगी, GHz में। अभी इसको समझाऊंगा मेगा हर्ट्ज क्या होता है, गीगा हर्ट्ज क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, तो आपने पिछली वीडियो देखा होगा तभी आपको पता चलेगा। तो फ्रीक्वेंसी इज मोर ऑपरेशन विद इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी एक ऐसा ऑपरेशन सिस्टम जो होता है जो टाइम को कैलकुलेट करता है, अमाउंट करता है, एज रिप्रेजेंट अबाउ, इसको रिप्रेजेंट करने का वो करने का। अब सीपीयू विद क्लॉक स्पीड ऑफ 3.2 गीगाहर्ट्ज एग्जीक्यूट 3.0 बिलियन साइकिल पर सेकंड। तो 3.2 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड जो कैलकुलेशन है 3.2 गीगाहर्ट्ज है, इसका मतलब है कि वो लाखों करोड़, मतलब 3 करोड़ से भी ज़्यादा ये एक ही सेकंड के अंदर डेटा को प्रोसेस करके भेज देता है। तो ये बहुत ही पावरफुल होता है यहाँ पर। ओल्डर सीपीयू हैव बीन मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज होता था, जिसको पुराने जमाने के सीपीयूज कहते थे, जो मैंने आपको बताया था। तीसरी चौथी वीडियो आप देख लोगे सीपीयू की, तो आपको पता चल जाएगा पुराने सीपीयू के बारे में, और मिलियंस पर सेकंड। तो आज के टाइम के अंदर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े जो प्रोग्रामिंग करने होते, एनिमेशन करने होते, तो उस प्रोग्राम एनिमेशन के लिए भी सीपीयू को पावरफुल होना पड़ता है, साथ ही साथ मदरबोर्ड को भी पावरफुल होना ही पड़ेगा, वरना वो सॉफ्टवेयर पावरफुल तरीके से काम नहीं करेगा, उसका डेटा पावरफुल ट्रैवल नहीं हो पाएगा। तो जब डेटा ट्रैवल होता है सीपीयू और यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर, तो पहले सीपीयू को कैलकुलेशन होता है कि सीपीयू कितना पावरफुल है, क्योंकि सब कुछ डेटा का प्रोसेस करने का काम सीपीयू के ऊपर होता है। सीपीयू ही सेंट्रल ऐसा डिवाइसेस है जिसके बिना हमारा सीपीयू, मतलब हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। रैम जो है सिर्फ मेमोरी है जो सीपीयू के सिर्फ डेटा को लेती है और सिर्फ आउटपुट वो इनपुट लेती है यहाँ पर, लेकिन प्रोसेस करने का काम उस डेटा कौन सा है, किस तरह का है, उसके ऊपर डेटा का जो प्रोसेस होता है ये सीपीयू करता है। तो जो यहाँ पर मैं देख सकते कि मैन्युफैक्चर ऑफ मॉडर्न प्रोसेस टाइपिकली चेन प्रीमियम प्राइस, तो यहाँ पर कुछ मॉडर्न जो कंपनीज होती है मैन्युफैक्चर जो प्रोसेसर होते हैं उसने थोड़ा सा चेंजिंग किया प्राइसेस के अंदर, फॉर प्रोसेस द ऑपरेट द हाई क्लॉक रेट्स। तो जो बड़े बड़े हाई क्लॉक रेट्स, मतलब और उसकी स्पीड बढ़ चुकी है यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर कुछ प्राइस के अंदर भी चेंजिंग की गई है। ऑप्टिकल कॉलेट बाइंडिंग, तो उसको कहते हैं बाइंडिंग कहते थे उसको, और अभी भी कह रहे हैं यहाँ पर। तो फॉर अ गिवन सीपीयू द क्लॉक रेट्स डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थ्रू एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ ईच प्रोसेसर।
तो क्लॉक रेट्स क्या है असलियत में को डिटरमाइन करता है, वो आप वो चेक वो डिटेक्ट करता है, जो डेटा को लेता है उसकी पर काम करता है, उसकी पर प्रोसेस करता है, उसको जो प्रोसेस होता है, इतना सारा काम हुआ उसको कहते हैं एक्चुअल टाइमिंग। उसको टेस्टिंग करने के लिए उसको जो टेस्ट, मतलब अगर आपने यहाँ से कोई दूसरी गली में गए हैं, कोई चीज़ लेकर फिर से आप अपने घर में आए हैं, तो जो वो वहाँ से आप गए हो वो होता है क्लॉक स्पीड, वही होता है एक्चुअली टेस्टिंग स्पीड, टेस्टिंग सिस्टम, या फिर आप टेस्टिंग प्रोसेस भी कह सकते हो आप। तो चिप मैन्युफैक्चर पब्लिश अब मैक्सिमम क्लॉक रेट, तो जो चिप मैन्युफैक्चर होती है, जो पब्लिश होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉक रेट वाली होनी चाहिए। एंड दे टेस्ट चिप्स बिफोर सेलिंग देम टू मेक श्योर दे मीट अ स्पेसिफिकेशन। तो जब वो सीपीयू की जो सही सेलिंग होती है तो क्या वो स्पेसिफिकेशन के थ्रू कंप्लीट है? अगर वो एग्जीक्यूटिंग, यहाँ पर देख सकते हैं, इवन व्हेन एग्जीक्यूटिंग द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन विथ अ डेटा पैटर्न दैट टेक द लॉन्गर द सेट टू सेटल, टेस्टिंग एट द टेम्परेचर एंड वोल्टेज दैट रन्स द लोअर परफॉर्मेंस लोवेस्ट परफॉर्मेंस। तो ऐसे कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं यहाँ पर, जैसे कि कुछ ऐसे दूसरे भी कंपनीज के प्रोसेसर आते हैं, इंटेल और एएमडी के अलावा भी प्रोसेसर आते हैं, तो क्या वो लॉन्ग टाइम चल सकते हैं या तो फिर चलते हैं तो कितना उसका टेम्परेचर होता है, उसका वोल्टेज कितना होता है, ये भी इम्पोर्टेंस होते हैं, क्योंकि वोल्टेज और जो उसका टेम्परेचर होता है, मतलब उसकी जो गर्मी होती है, वो उसकी परफॉर्मेंस को भी कम कर देती है। तो यहाँ पर हमारा जो भी हमारा मदरबोर्ड से हमारा सीपीयू की तरफ आता है हमारा डेटा, हमारा मदरबोर्ड से सीपीयू की तरफ हमारा डेटा जो आता है, वो जितना भी प्रोसेस करता है, वो प्रोसेस करने के बाद हमारा फिर से हमारा मदरबोर्ड के ऊपर डेटा भेज देता है यहाँ पर। तो मदरबोर्ड से डेटा कहाँ कहाँ जाता है वो मदरबोर्ड की वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे कि अभी मैं माउस मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा माउस जो कनेक्ट है मेरा मदरबोर्ड के ऊपर, ओके, ये वायर माउस है और ये वायर ही मेरा मदरबोर्ड के ऊपर से डेटा प्रोसेस होकर फिर से मेरे यहाँ पर मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर मीन्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ये कौन करवा रहा है? सीपीयू ही करवा रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ, राइट साइड जा रहा हूँ, ये प्रोसेस करने का काम, ये बहुत ही इंस्ट्रक्शन करने का काम ये मदरबोर्ड और यहाँ पर प्रोसेसर करता है। लेकिन जो प्रोसेस करने का काम सिर्फ प्रोसेस ही करता है, प्रोसेसर ही करता है, मदरबोर्ड तो सिर्फ उसको डेटा भेजता है, उसको रिसीव करता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूट करवाता है, ओके। तो यहाँ पर प्रोसेसर सक्सेसफुली टेस्टेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड विद गिवन सेट ऑफ द स्टैंडर्ड्स मे बी लेबल्ड विद हायर क्लॉक रेट। प्रोसेसर सक्सेसफुली टेस्टेड होता है यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड और कुछ स्टैंडर्ड्स के लेबल के थ्रू, तो उसको हाई क्लॉक रेट कहा गया, जैसे कि 3.50 गीगाहर्ट्ज़। While those that fail the standard of the higher clock rate yet pass the standard laser clock rate for laser clock rate may be labeled with the laser clock rate, example 3.3 gigahertz and sold at lower price. तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे clock rate जो 3.50 से कम होते हैं, मतलब कम होते हैं, तो ये कम प्राइस के अंदर वो आपको बेच देते हैं यहाँ पर प्रोसेसर को मार्केट के अंदर। लेकिन जिसका रेट 3.50 से ज़्यादा होता है या तो फिर 3.5 होता है यहाँ पर गीगाहर्ट्ज़, आज के टाइम के अंदर मेगाहर्ट्ज़ नहीं चलता, गीगाहर्ट्ज़ चलता है यहाँ पर, तो ये जो प्रोसेसर होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं यहाँ पर। तो जो डेटा 01 के फॉर्म के अंदर हमारा बाइनरी कोड आता है उसके ऊपर जो हमारा वोल्टेज और प्रोसेस होता है, उसी के हिसाब से हमारा हर प्रोसेसर काम करता है। प्रोसेसर का सीधा ही काम है कि बाइनरी कोड के थ्रू ही काम करेगा, चाहे फिर इंटेल का हो या एएमडी कंपनी का हो। उसी तरह से यहाँ पर जो डेटा या फिर वोल्टेज कहे यहाँ पर मीन्स हमारा जो डेटा जो होता है 01 के फॉर्म के अंदर होता है उसके ऊपर वोल्टेज भी होता है। तो यही काम मदरबोर्ड को भी समझना होता है, क्योंकि मदरबोर्ड ही प्रोसेसर के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये मदरबोर्ड पूरा है और यहाँ पर उसका प्रोसेसर लगता है। तो प्रोसेसर जब लगता है यहाँ पर, तो जो यहाँ पर मैंने मान लो कि माउस की पिन लगाई हुई है,
तो माउस जो होता है वो यहाँ पर से इसका डेटा यहाँ पर भेजेगा, फिर नॉर्थ बीच, फिर यहाँ पर रैम पर जाएगा, रैम पर जाके बाद फिर प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, इसके साथ लगी हुई हार्ड डिस्क जो है वो सीधा फिर से रैम के पास जाएगा, फिर हार्ड डिस्क के ऊपर जाएगा, कोई मुझे फ़ोटो ओपन करना है तो फ़ोटो ओपन करके देगा, तो रैम से फिर से यहाँ पर आएगा, फिर वो यहाँ पर प्रोसेस करेगा, फ़ोटो की प्रोसेस करेगा, फ़ोटो की प्रोसेस करने के बाद फिर यहाँ पर वीजी है जहाँ पर मेरा मॉनिटर का पिन लगा हुआ है, मॉनिटर पर दिखाई देगा, तो स्क्रीन में सब जो कहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये बहुत सारी प्रोसेस करता है यहाँ पर एक फाइल को ओपन करने के लिए भी। तो हम समझते हैं इसकी स्पीड के अंदर तो तीन तरह के कैटेगरी में डेटा को कैलकुलेट किया जाता है, गीगाहर्ट्ज़ के अंदर जिसको KHz कहते हैं यहाँ पर, फिर उसको मेगाहर्ट्ज़ कहते हैं, और तीसरा होता है गीगाहर्ट्ज़ होता है यहाँ पर, तो KHz, MHz, GHz ये शॉर्ट फॉर्म नेम है, फुल नेम आप दे सकते हैं सामने। तो यहाँ पर समझते हैं कि प्रोसेसर परफॉर्मेंस इज यूजली नंबर इन आइदर MHz, मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़। That number represents how many times their internal clock inside the CPU ticks in cycle per second. The processor performance करता है usually number of megahertz. Okay. The processor जब perform होता है usually numbers और उस gigahertz के अंदर, तो number represent करता है many times. Many times means बहुत सारे यहाँ पर इसके binary codes के through number present होते हैं यहाँ पर. तो इसको data जो calculate होता है कितने उसने क्लॉक स्पीड के अंदर कैलकुलेट होता है, उसी को कहते हैं हम यहाँ पर स्केल मैप है यहाँ पर उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो इंटरनेट क्लॉक रेट इन साइड सीपीयू टेक्स इन साइकिल पर सेकंड, तो जो भी प्रोसेसर प्रोसेस करता है डेटा की, आज के टाइम के अंदर गीगाहर्ट्ज़ ही अच्छी स्पीड है, मेगाहर्ट्ज़ से तो मत लिए, और गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ही कुछ इसके यहाँ पर दे सकते हो कि यहाँ पर द क्लॉक इन साइड 2.5 GHz सीपीयू टेक्स मीन्स 2.5 बिलियन टाइम्स इस पर सेकेंड, मतलब 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा एक ही सेकंड्स के अंदर वो डेटा को प्रोसेस कर लेता है यहाँ पर, उतनी स्पीड होती है यहाँ पर। बट क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज नॉट कॉन्क्रीट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे कि यहाँ पर प्रोसेस तो करता है लेकिन उतना पावरफुल प्रोसेस नहीं करता है, क्योंकि इसकी जो स्पीड इतनी है और आप चाहते हो कि 3.5, क्योंकि आपके ऊपर आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो चल जाएगा इसके ऊपर, लेकिन आप कोई फोटोशॉप ओपन करते हो या फिर कोई ऐसी HD मूवी होती है तो वो रुक रुक कर चलेगी, इतनी पावरफुल नहीं चलेगी। तो ये प्रोसेस करता है तब जाकर आपकी यहाँ पर आपका डेटा ओपन होता है। एक सेकंड भी आप देख सकते हो कि एक एक सेकंड के अंदर मेरा प्रोसेसर, मेरे कंप्यूटर का भी प्रोसेसर, आपका मोबाइल का प्रोसेसर, आप जो वीडियो देखते हो वो भी उसका प्रोसेसर, एक एक सेकंड के अंदर गीगाहर्ट्ज़ के अंदर वो प्रोसेस करता जाता है, तब जाकर आपका मोबाइल कंप्लीट स्टार्ट होता है या फिर आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो ये जो लो टेक्नोलॉजी कम स्पीड वाले होंगे तो आपका पावरफुल नहीं चलेगा आपका कंप्यूटर। तो इसी के लिए यहाँ पर हमारा जो CPU होता है, यहाँ पर जो CPU के अंदर चिप्स होती है या फिर Core i5 हो या Core i3 हो या Core i6 हो, जो भी हो, यहाँ पर ध्यान रखने की 6 की क्लॉक रेट स्पीड होती है। सीपीयू क्लॉक स्पीड और क्लॉक रेट इज मेजर इन हर्ट्ज के अंदर, जैसे कि मैंने कहा गीगाहर्ट्ज के अंदर था। जनरली इस गीगाहर्ट्ज और GHz जिसको कहते हैं यहाँ पर, सीपीयू क्लॉक स्पीड रेट इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी क्लॉक साइकिल सीपीयू कैन परफॉर्म पर सेकंड। तो जो क्लॉक स्पीड जो रेट होता है वो मेजर करता है कितने क्लॉक रेट के अंदर आप परफॉर्म करते हो पर एक सेकंड्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो सीपीयू क्लॉक रेट यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि 1.8 गीगाहर्ट्ज कैन परफॉर्म मीन्स इतना दे सकते हो कि पर सेकंड, तो वन यहाँ पर दे सकते हो कि इतने सारे क्लॉक साइकिल पर सेकंड के अंदर वो भेज देता है यहाँ पर। तो 1.8 करोड़ से भी 18 लाख से भी ज़्यादा ये इस तरह का क्या होता है क्लॉक स्पीड मीन्स एक सेकंड्स के इतना सारा डेटा वो भेज देता है यहाँ पर प्रोसेस करता है। तो जो भी डेटा हो हमारा, जो भी सिस्टम हो हमारा, वो बाइनरी कोड के ऊपर होता है। तो जो भी हमारा डेटा बाइनरी कोड के थ्रू जाता है या फिर हमारा सिस्टम जो होता है उस प्रोसेसर के ऊपर ही हमारा ये मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पर, लेकिन दूसरा होता है मदरबोर्ड के ऊपर भी होता है। तो ऑन द वन हैंड क्लॉक स्पीड आर यूजफुल वेयर कंपेयरिंग टू सिमिलर CPUs इन द सेम फैमिली।
For example, let's say you are computing two Linton hash for Wi-Fi, which only difference in their clock rate. तो कुछ ऐसे CPU useful होते हैं, अगर आपको ध्यान से देखना है तो इसको similar CPU लो, means आपको same Core i5 ही लेना है. और मैंने आपको समझा था कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है, पिछली वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी यहाँ पर डिफरेंस है क्लॉक रेट के अंदर, तो वो नहीं ठीक से काम करेगा. ऑन रन 3.4 GHz देख सकते हैं यहाँ पर, एंड वन रन 2.6 GHz. तो ये बहुत ही कम हुआ और ये बहुत ही फास्ट हुआ. इन केस 3.4 पावर प्रोसेसर विल परफॉर्म 30% फास्टर when they are both running the top speed. Top speed पर अब यहाँ पर top speed के ऊपर ये काम तो करेंगे. This is true because the processor are otherwise the same. क्योंकि ये तो काम करेगा यहाँ पर. processor क्या है, same है, इसकी speed same है. लेकिन ये क्या होता है कि ये processor कुछ ऐसे same तरीके से powerful अगर आपने लिए हैं, लेकिन उसका गीगाज क्लॉक रेट ही कम है, तो आप काम ठीक तरह से नहीं ले पाओगे. बट यू कैन टू कंपेयर द एसर हैज कोर i5 सीपीयू क्लॉक रेट अगेंस्ट अनदर टाइप्स ऑफ सीपीयू. तो कुछ ऐसे दूसरे क्लॉक रेट के सीपीयू जो होते हैं यहाँ पर, जो पावरफुल कोर क्लॉक रेट होते हैं यहाँ पर, सच ऐसे AMD सीपीयू, ARM सीपीयू और इवन ओल्ड इंटर सीपीयू, क्योंकि उसके साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पुराने वाले सीपीयू जो होते हैं वो. तो आज के टाइम के अंदर आपको बहुत सारी अलग ब्रांड्स मिल जाएगी सीपीयू इंटेल की, कोर i9, कोर i7, कोर i5. तो पहले कोर i5 आया, फिर कोर i7 आया, फिर कोर i9 आया, फिर उसकी एक्सपीरियंस यहाँ पर नया, और एक डेटा को पावरफुल बनाने के लिए प्रोसेसर सर्वर के लिए आया. तो प्रोसेसर परफॉर्मेंस इज यूजली अ नंबर ऑफ इन आइदर मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़. जैसे कि अभी मैंने कहा कि आज के टाइम के अंदर मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ ही चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर गीगाहर्ट्ज़ ही यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर सीपीयूज़ जो पावरफुल होते हैं यहाँ पर. द नंबर रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स द इंटर क्लॉक इनसाइड द सीपीयू टिक्स इन द इन साइकिल पर सेकंड. तो गीगाहर्ट्ज़ पहले आया, लेकिन गीगाहर्ट्ज़ आया लेकिन उसके अंदर इतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं था. लेकिन जैसे ही मेगाहर्ट्ज़ आया, तो इसके अंदर सीपीयू की जो चिप होती है उसके अंदर भी बदलाव किया गया, यहाँ पर चेंजिंग किया गया, और इसको और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर गीगाहर्ट्ज़ को बनाया गया. तो गीगाहर्ट्ज़ ये ऐसा क्या होता है, तो जैसे जैसे सीपीयू के अंदर चेंजिंग किया गया, उसको पावरफुल बनाया गया, तो इसके अलग अलग स्केल में आती है यहाँ पर उसको कैलकुलेट करने के लिए. तो क्लॉक इनसाइड 2.5 गीगाहर्ट्ज़ सीपीयू टिक्स मीन 2.5 बिलियन टाइम्स इज पर सेकेंड. जैसे कि मैंने कहा कि हर एक सेकंड के अंदर 25 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर ये क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करता है यहाँ पर. बट क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज नॉट कम्प्लीट मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस. तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो होता है वो नहीं करता है एकदम कम्प्लीट परफॉर्मेंस. रिसेंटली हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय सीपीयू इज क्लॉक रेट साइकिल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी सीपीयू काम तो करना है एक ही, क्योंकि इसको बाइनरी कोर के अंदर ही काम करना है. लेकिन बाइनरी कोर जो होता है उसका जो प्रोसेस होता है, जितना जल्दी फास्ट करेगा, जितना उसका प्रोसेसर फास्ट काम करेगा, उतना यहाँ पर ये स्पीड अप होगा. तो दिस इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है. यही जो मेन चीज़ें होती है इंस्ट्रक्शन पर साइकिल के अंदर. ऑप्टिम एड्रेसबिलिटी IPC, जिसको यहाँ पर CPU वेरी हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी बट लो IPC, जिसको कहते हैं, मे नॉट परफॉर्म वेल एज CPU विथ लोअर क्लॉक फ्रीक्वेंसी एंड हाई IPC. तो जैसे कि कम से कम CPU वाला गीगाहर्ट्ज़ का होगा तो वो काम नहीं करेगा, मेगाहर्ट्ज़ होगा तो आज के टाइम के अंदर काम नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा 3.2 से ज़्यादा आप खरीदें, 3.2 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा, तो आप और अच्छी तरह से आप सीपीयू को काम कर सकते हो. यहाँ पर कोर i5 हो, कोर i6 हो, वो तो आपको कोर देखना ही चाहिए, कोर i5 है, लेकिन उसके साथ आपको उसकी क्लॉक रेट स्पीड क्या है वो भी देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप अच्छी तरह से सीपीयू को देख पाओगे.
तभी आपको ये सीपीयू दिख पाओगे, वरना आपको पता ठीक तरह से नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पर। तो अगर जब तक आपको ये सीपीयू जो होता है, माउस सीपीयू की सिस्टम जो होती है, प्रोसेस होती है, जब तक आप इसको यहाँ पर कोर कितने है, कोर आई फाइव है, लेकिन कोर आई फाइव के अंदर इसकी स्पीड कितनी है, कितनी क्लॉक रेट स्पीड है, 3.2 से ज़्यादा है या नहीं, तो 3.2 में कौन सा, तो गीगाहर्ट्ज़ GHz चेक होना चाहिए आपको, देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के अंदर बता दिया कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि सीपीयू की कैश मेमोरी के बारे में, सीपीयू कैश मेमोरी क्या होती है, फिर इसको हम सीखेंगे। कैश मेमोरी के बाद हम सीपीयू की सॉकेट के टाइप्स समझेंगे कम्प्लीटली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, हम नेक्स्ट में मिलते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन होता मुझे कमेंट कर सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, मेरी सभी वीडियो पॉडकास्ट होती है, और आपको कोई भी क्वेश्चन होता मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आप नए कंप्यूटर में हैं, तो आप म्यूजिक स्टार्टिंग यूजर ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूजर हो तो नए कंप्यूटर के यूजर के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज करो या विंडो 8 यूज करो या विंडो 8.1 यूज करो या विंडो 10 यूज करो, ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूजर्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है, ये बेसिक स्टार्टिंग यूजर्स के लिए, यहाँ पर एमएस ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज होने वाला होता है, इसके लिए होता है। आप उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बनाकर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है, उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है, तो ये जो मिक्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट में, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क के बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझने होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।